फेस करना पड़ा. एंड ऑफ द डे दे जस्ट नील डाउन कि मैं नहीं हो पा रहा, बहुत प्रेशर था उन पे. बट यस स्टिल दे गॉट अ डिसेंट पोजीशन टू स्टैंड विद. बट वहीं पर देखें जो हमारी टीम नंबर 6 है मार्कोस गेमिंग, उनके पास 7 के अंदर 4 प्लेयर जिंदा भी हैं एंड दे आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. उनके पास एक अच्छा कॉर्नर है. अब टीम नंबर ELV के मैट, अब ये आई लाइक दिस फॉर्मैट बिकॉज मैट हमेशा थोड़ा सा ऑफ गार्ड रहते हैं. द स्काउट ऑफ दिस टीम को थोड़ा सा अपने इंडिविजुअल स्किल पे ज्यादा भरोसा करते हैं. द मोमेंट आई सेड यहाँ पे एक कंप्लीट शट ओवर, यहाँ पे आई क्लैन के म्यूजी नॉकआउट हुए, वो तो रिवाइव हो जाएंगे. बट ELV क्लैन के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह क्योंकि SKS के कंटिन्यूस शॉट आ रहे हैं. SKS एक मार्क्समैन राइफल है 7.62 की और एक हेवी डैमेज. अगर हेडशॉट कनेक्ट होता है देन अच्छे अच्छे की मतलब नानी याद आ जाती है. बिल्कुल. बट यहाँ पे टीम नंबर 9 के पास एडवांटेज, सबसे ज्यादा एडवांटेज यहाँ पे मार्कोस गेमिंग के पास, जहाँ पे जोन में भी और एक हाई रिज भी है और उन्होंने कवर भी बहुत प्यारा बना रखा है. एक प्लेयर भले उनका भी नॉकडाउन हुआ बट वहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा उन्हें. बट फ्यूरी ने नॉकडाउन करे एलवीएस के मैट को एंड यहाँ पे मार्क्स नॉकडाउन होते हुए वापस से अभी जस्ट द डूड को रिवाइव मिला था. उतना ही में वहाँ पे मैक्स कश भी नॉकडाउन होते हुए अभी जोन यहाँ पे फिर से श्रिंक इन होगा. अब फिलहाल अगर बिल्कुल पिन पॉइंट सेंटर में रहा तो सारे प्लेयर्स को मूव करना पड़ेगा. बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे एक और प्लेयर नॉकडाउन होता हुआ एम आईपी मैन का एंड वहाँ पे टीम नंबर 8 जोन के अंदर है फिलहाल. सो रेव मिल जाएगा वहाँ पे. सो देर इज नथिंग बैड हैपनिंग विद देम. वो लोग धीरे धीरे करके अंदर आ जाएंगे. बट जोन देखो आई आदित्य यहाँ पे कुछ बैंडेजेस पॉपअप करता हुआ, उनके पास ना ही कोई अब बूस्टर बचे ना ही कोई फर्स्ट एड है. फ्यूरी नॉकडाउन है अभी फिलहाल. अब देखते हैं ओके द डूड जैसे ही ऊपर आ रहा है सारी टीम्स का वहां पे वो अट्रैक्शन गेन कर रहा है. बट अभी आदित्य नॉकडाउन होता हुआ एंड सेम टाइम फिनिश एज वेल. बट वहां पे सामने से ट्रेड फायर आया, ड्यूक को नॉकडाउन करा एंड टीम नंबर 19 थोड़ा सा अर्ली रोटेशन डालना चाहती है फाइनल जोन में. टीम नंबर 6 पीछे से आके मेरी गल से बैक स्टेप करेगी. अभी भी 30 सेकंड बचे थे बट पान सिंह यहाँ पे नॉकडाउन करते हुए आईई क्रूसिफर. ये जो प्रोन होके जो स्प्रे जाता है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट जाता है. बट यहाँ पे क्रूसिफर रीलोड के लिए गया था एंड ही वॉज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर हिज टीम. एंड यहाँ पे एल्विस निकालते हुए एंड दिखाते हुए 10 टीम किल्स है उनके पास. बट एक और नॉक लिया यहाँ पे मैक्स कश ने M16A4 का. सो दिस विल बी बिकमिंग अ ब्लंडर फॉर टीम नंबर 9 एंड टीम नंबर 8 यहाँ पे आखिरी टीम बचेगी जिसमें मार्कोस गेमिंग को फाइट लेनी पड़ेगी. टीम नंबर 9 का आखिरी बंदा बचा है सूर्या और द डूड यहाँ पे फिर से नॉकडाउन. एम डकी यहाँ पे टैक खाया एंड वापस आया थोड़ा सा एंड यहाँ पे कार लेके जोन में थोड़ा सा और अंदर जाने की कोशिश करें. बट इनके पास एक परफेक्ट रिज है जिससे ये लोग खेल सकते हैं एंड टीम नंबर 19 वहाँ पे एक प्लेयर और को रेव मिल चुका है. एक्जैक्टली काफी अच्छा रिज उन्होंने होल्ड डाउन कर रखा है प्लस थोड़ा सा ओवर कमिटमेंट दिखा रहे हैं यहाँ पे मार्कोस गेमिंग के प्लेयर. यहाँ पे डकी नॉकआउट हो चुके हैं, उनके पास ऑलरेडी एक प्लेयर खत्म है जो जूस है. अब जहाँ डकी नॉकआउट हो चुके हैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइव नहीं किया मुश्किल होगा. मैक्स काश भी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं. उस रिज का जो फायदा उठा रही है टीम यहाँ पे एलवी प्लस अब एम डिपार्टमेंट पे जो एम क्लैन है उस पर यहाँ पे स्नीपू थोड़ा सा रशन कर रहे हैं. उनको पता है कि एक प्लेयर उन्होंने नॉकआउट कर रखा है और यहाँ पे रॉक ही कवर दे रहे हैं. प्ले जोन का शिकार बन चुके हैं मैक्स काश. मैक्स काश काफी सेफ पोजिशन में थे जस्ट बिकॉज थोड़ा ओवर कमिटमेंट दिखाया और रिज का अच्छा यूज किया यहाँ पर. ये दोनों नई टीमें क्या गजब PUBG मोबाइल खेल रही है. काफी अच्छा लग रहा है देखकर कि भाई यंग टैलेंट के अंदर आज भी वो जोश और खून के अंदर जान है अपने आप को प्रूव करने की. बिल्कुल. टीम नंबर 8 और 9 सामने लड़ रही है तो यहाँ पे द डूड एक ग्रेनेड को करके फेंका है सामने बट कोई वहां पे प्लेयर नॉकडाउन नहीं है उस पर्टिकुलर ग्रेनेड से. बट सूर्य यहाँ पे अपने आप को हील अप कर रहा है फाइनल बूस्टर्स की 100 HP रखी जाए ताकि वो 1 HP आपको नॉकडाउन ना देखे जाए. बट यहाँ पे द डूड फिर से नॉकडाउन होते हुए एंड मोस्ट प्रोबेबली फिनिश भी हो जाएंगे अगर वहाँ पे पीछे सूर्या का कवर फायर नहीं आया तो. यस ही गॉट फिनिश्ड ओवर देयर एंड यहाँ पे हील बैटल चलता हुआ. क्या ये हील बैटल यहाँ पे सक्सेसफुल रहेगा? बट नहीं, सूर्या यहाँ पे 2 फर्स्ट एड विद इन बैग्स यहाँ पे फिनिश होते हुए एंड 2v3 फाइट यहाँ पे स्टार्ट करेगी टीम नंबर 8 और 9 दैट इज एल्विस एंड टीम एम. आप देखते हैं 3 vs 2 एंड बट यहाँ पे अगर हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे एल्विस प्लेयर दोनों के पास 100 HP है एंड वहाँ पे रॉकी नॉकडाउन होंगे. कुछ ज्यादा ओवर कमिटमेंट उन्होंने दिखा दिया. यहाँ पे आईपी मैन भी नॉकडाउन होता है. डकी के पास अब 1 HP है एंड यहाँ पे चिकन डिनर निकालेंगे. क्या यहाँ पे रॉकी का क्लच देख डकी का क्लच नहीं हो पाया? नहीं था बिकॉज यहाँ पे जो 3 प्लेयर जिंदा थे एम क्लान के उनकी गेम पूरी सर्वाइव कर रही थी, रिवॉल्व कर रही थी रॉकी के अगेंस्ट. अगर वो डाउनलोड करेंगे डेमो रॉकी कवर दे रहे थे. रॉकी का नॉकआउट होते ही गेम खराब हो गया. मे बी ब्लू जोन पुश कर रहा था बिकॉज जैसी वो ओपन हुए एवरीथिंग वॉज ओपन.